तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ओके, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, कहां पर है, लोकेशन क्या है, तो इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले। तो फ्रेंड्स, यहां पर देख लीजिए, एम फार्मेसी और एमएससी के लिए यहां पर कुछ वैकेंसीज निकल आई है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कहां पर है। तो एज अ फार्माकोपियल एसोसिएट एट फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ओके, तो यहां पर वैकेंसीज निकल आई है, कितनी पोस्ट है वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे फ्रेंड्स। तो यहां पर देख लीजिए, उस जो भी हमारी फार्माकोपियल कमीशन है, तो उसके बारे में यहां पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है, तो उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट यहां पर हमारे वैकेंसीज के ऊपर आते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, फार्माकोपियल एसोसिएट केमिस्ट्री, तो यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो 3 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसेंशियल देख लीजिए, फर्स्ट मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फार्माकोगनेसी, बॉटनी और फार्मेसी, तो इनके अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड्स। ये जो केमिस्ट्री फार्माकोगनेसी दिया है, तो इन सब के अंदर आपको आपकी जो डिग्री होनी चाहिए, या फिर फार्मेसी के अंदर भी अब अगर आप है, मतलब जो एम फार्म के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट डिजायरेबल। ओके, नेक्स्ट पीएचडी कंसर्न सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट हो गया, तो इन सब के बारे में यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए। आप देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर्स इन द केस ऑफ फ्रेश एंगेजमेंट। ओके, तो शुड नॉट एक्सीड 30 ईयर्स, तो यहाँ पर अगर आप 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिलो 30 आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पेमेंट कितना मिलेगा, तो 32,000 यहाँ पर आपको पेमेंट मिल सकता है। तो ये थी फर्स्ट वैकेंसी फ्रेंड्स। सेकंड वैकेंसी देख लीजिए, फार्माकोपियल एसोसिएट फार्माकोग्नोसी के अंदर। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फर्स्ट 1 है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मास्टर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, बॉटनी, फार्मेसी, सेम। यहाँ पर आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। नेक्स्ट, आपकी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेमेंट आपको कितना मिलेगा, 32,000 यहाँ पर आपको पेमेंट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट कौन सी वैकेंसी है, फार्माकोपियल एसोसिएट फार्मेसी की यहाँ पर वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट 1, ओनली 1 पोस्ट है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी ऐसे वैकेंसी रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारी वीडियो देख सकते हो। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है वो भी हम बाद में आपको वीडियो के एंड में बता देंगे फ्रेंड्स। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मंथली कितना मिलेगा आपको, 32,000 यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फार्माकोपियल एसोसिएट पब्लिकेशन के पब्लिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट 1, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आप अगर किसी भी ग्रेजुएट है, मतलब आपका कौन सा भी ग्रेजुएशन है, तो तभी भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। शुड हैव गुड कम्युनिकेशन राइटिंग एबिलिटी एंड इंटरपर्सनल स्किल। थर्ड देख लीजिए, नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर के अंदर आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पेमेंट आपको मिलेगा 25,000 यहाँ पर आपको पेमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट केमिस्ट्री के अंदर पोस्ट है, तो यहाँ पर पोस्ट टोटल 2 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, पीएचडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। बाद में एज यहाँ पर दी गई देख लीजिए, 65 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, पेमेंट आपको मिलेगा 50,000 यहाँ पर आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर नोट दिया है, नोट पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी यहाँ पर हमने पोस्ट देखा 1, 2 जैसे पोस्ट थी, 3 पोस्ट कहाँ पर पोस्ट थी, तो उसके अंदर डिक्रीज भी हो सकते हैं, 2 के 4 हो सकते हैं, या फिर जो 3 पोस्ट थी तो उसके 2 भी हो सकते हैं, तो ये याद रख लीजिए, 1 के 4 हो सकते हैं, 2 के 2 पोस्ट के 4 पोस्ट हो सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपको याद रखना है। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, प्रिफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट्स एंड हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द सेम सिमिलर डिपार्टमेंट।
तो ज़्यादा प्रेफरेंस जो भी लोकल कैंडिडेट है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ऐसा नहीं कि यार मैं लोकल नहीं हूँ तो मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब है फ्रेंड्स, तो मिल सकती है आपको भी वहाँ पे। तो ये कुछ नोट्स है तो यहाँ पर आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। हम डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे हमारे सबमिशन के ऊपर, एप्लीकेशन आपको कैसे करना है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 5/12/2020, यानी कि 5 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है सबमिशन की। तो यहाँ पर इंटरव्यू होगा, कब होगा, डेट 10 दिसंबर 2022 सैटरडे के दिन यहाँ पर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। टाइमिंग 10 सुबह 10 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक यहाँ पर टाइम दिया गया है। वेन्यू भी दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए वेन्यू के अंदर देख लीजिए, कमिटी रूम, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, फार्माकोपिया, कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, मिनिस्ट्री, आयुष, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो ये वैकेंसी जो है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसी है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसीज है जो उत्तर प्रदेश के जो भी स्टूडेंट है, जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, उस स्टेट के अंदर आते हैं, आसपास के जो भी स्टूडेंट है गाजियाबाद के, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लोकल कैंडिडेट को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है तो यहाँ पर जाके जो अप्लाई ऑनलाइन है तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज आ जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप ओपन करके अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर बस आपको इतना ही बताना था, तो ऐसे ही वैकेंसीज रिलेटेड अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।